अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक अरशद और आप देख रहे हैं सबलाइम बैटरी का। आज हम मौजूद हैं ज़ीशान मिन्हास के साथ, जो कि बहुत बड़े आर्टिस्ट ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके दादा एम एम शरीफ साहब जो हैं तो बड़े सग़ीर पाक व हिंद में मशहूर हैं, बल्कि सारी दुनिया में मशहूर हैं। उनके काम, उनके कारनामे जो हैं तो सारी दुनिया जानती है। फिर इनके वालिद साहब जो थे आरिफ मिन्हास साहब, उन्होंने अपने वक्त में कमाल किया, और ख़ास कमाल ये था कि रहमान बाबा की पोइट्री को उन्होंने पोर्ट्रे किया और उसकी तस्वीरें बनाई, स्केच बनाए, और ख़ूबसूरत थीमेटिक जो है तो उनकी पेंटिंग्स हैं। और फिर जो है तो ज़ीशान मिन्हास साहब जो हैं अब अपने मोर्चे पे जो है तो डटे हुए हैं और पेंटिंग्स को आगे लेके जा रहे हैं, अपने जो है तो पुरखों की रिवायत को आगे लेके जा रहे हैं। मिन्हास साहब अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? शुक्र लगा। ये बताएं जनाब, हमें सबसे पहले एम एम शरीफ साहब के बारे में बताएं, जो कि आपके दादा थे। वो माशाल्लाह बड़े सग़ीर पाक व हिंद में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, और ख़ास काम उनके क्या थे और क्या वजह थी कि उन्होंने कौन से ऐसे काम किए जिसकी वजह से बच्चा बच्चा एम एम शरीफ का नाम जानता है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप मेरे गरीब खाने में तशरीफ़ लेकर आए। और सवाल आपने जो किया, बहुत मुश्किल सवाल कर दिया आपने। एम एम शरीफ साहब के बारे में बताना कोई इतना आसान काम नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैंने बड़े बड़े आर्टिस्टों से उनका जो है तो बड़ी तारीफ़ सुनी है, उनके नाम सुने हैं और उनका काम के हवाले से सुना है जी। जी जी, तो चूँकि वो पाकिस्तान से पहले के वक्त के आर्टिस्ट थे, तो उस वक़्त तो मीडिया था नहीं पाकिस्तान में, सिर्फ सिनेमा ही सिनेमा थी, अखबारात या सिनेमा। तो उस हवाले से जितना भी काम था, सिनेमा का दौर था तो हाथ का काम होता था। अब तो चूंकि कंप्यूटर का ज़माना है, लेकिन उनकी जो वजह शोहरत जो थी वो खताती, जो उनकी मरकतुल आरा किताब है यदे बैजा, वो भी सिखाने के लिए अपने जितने भी आज तक जितने भी नए खतात या आर्टिस्ट हजार जो हैं, अगर वो यदे बैजा से वो ना करें वो आगे नहीं जा सकते। अच्छा, ये यदे बैजा है नाज़रीन, ये हमारे पास जो है ये किताब यदे बैजा है, और ये एम एम शरीफ साहब की लिखी हुई किताब है। इस किताब में उन्होंने क्या समझाया है आर्टिस्टों को, ये ज़रा बताएं हमें इसके हवाले से। ये खताती में जितने भी अल्फाज के जो अबजद है, अच्छा उसकी ऐसे बता दें ताकि हमारे नाज़रीन देख सकें। अच्छा, ये लिखा गया कि इस तरह से आपने लिखना है क्या, क्योंकि हम तो मतलब आर्टिस्ट नहीं, समझते नहीं, आप ज़रा बताएँ। हाँ जी, ये ख़त नस्तालीक में ये जो अबजद है अल्फाज, उनकी तकसीम है, जो कलम के ज़रिए जो लिखा जाता है उसको कत कहा जाता है। अच्छा, तो ये तमाम अल्फाजों की नाप तोल जो है वो तकसीम करके उन्होंने ये बताया हुआ है। तो ये अगर आप ना सीखें, ये से अगर ये कोई ना सीख सके तो समझ लें कि वो खताती नहीं सीख सकता। अच्छा, तो ये अलिफ बे ये बिल्कुल ऐसे जैसे मौसीकी के सारे गामा पादा निसा है। अच्छा, तो ये सारे गामा पादा निसा जब तक आप नहीं सीखेंगे आप ना तो खतात बन सकते हैं, क्योंकि ये बेस है। अच्छा, इससे कलम जैसे पेंटिंग अगर कोई अगर सीखना चाहे तो उसकी जो बेस है वो पेंसिल है। अच्छा, पेंसिल से उसने स्टार्ट करना है। अच्छा, तो पेंसिल से ही वो काम ड्राइंग जो है वो शुरू करेगा, ड्राइंग जो है वो बेस है। अच्छा, तो इसी तरह खताती में जो वो मुसवराना खताती करना चाहे, खताती अच्छा करना चाहे, तो ये इसमें फिर ये कलम चलाने का तरीका इसमें उन्होंने बताया। अच्छा, इसमें मज़े की बात यह कि ये जो बुक है इसके तमाम किताब के जो सफ़ात हैं हर सफ़े पर उन्होंने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एक नए अंदाज़ से लिखी। अच्छा, तो ये फिर मज़े की ये इसमें कई ऐसी चीज़ें जो कि आज भी हम जब इसको देखते हैं गौर से देखते हैं हर दफ़ा एक नई चीज़ में से एक सीखने को हमें मिलती है। अच्छा जी हाँ, तो ये बहुत खूबसूरत ये इसमें है कि आज भी इसमें जब आप गौर से इसको देखते हैं तो इसमें कई ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए मुश्किल राह होती हैं। ये तो इनसे हैं एक दो तीन चार। बिल्कुल, ये अब ये इब्तदा है ना जी, ये अबजद है, और इसमें वो उन्होंने मशक का तरीका बताया हुआ है कि अलिफ अगर आप लिखेंगे तो उसका तरीका क्या होना चाहिए। अच्छा अच्छा, ये दवाएँ हैं, दायरे हैं, ठीक है, मतलब एक दायरे में मुख्तलिफ उर्दू के जितने भी अल्फाज हैं, नून बन रहा है, ये बन रहा है, जीन बन रहा है, तो ये वो टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि मतलब जो अगर सीखना चाहेगा तो वो इस किताब से बेहतरीन किताब कोई भी नहीं है, कोई सिखा नहीं सकता। अच्छा, इसमें जोड़ तोड़ बहुत है। अच्छा, तो ये अभी किताब अवेलेबल है बाज़ार में? नहीं, बहुत मुख्तसर, क्योंकि अच्छा सीखने वाले आए तो है नहीं अब। अच्छा, तो अब मतलब ये मुफ़रदात आ गए। अच्छा, पहले जो था वो मुफ़रदात थे।
ठीक है, उस वो अबजद थी। अब ये मिसाल के तौर पर ये तमाम वो अल्फाज जो कि अब जीम से शुरू होते हैं, ठीक है, जीम जी। तो ये जीम की पट्टी मुकम्मल ये अच्छा, मश्क है अच्छा, वो अल्फाज जो जीम से शुरू होंगे। तो इसको एक बंदा अगर देखना चाहता है ये किताब सामने रख के जीम की पट्टी है की पट्टी, तो ये मश्क है ना, ये अच्छा, जीम की मश्क है अच्छा, जीम चे हे खे अच्छा, तो ये चार अल्फाज जो हैं वो ये उसमें तमाम जीम से लेकर ये तक जो शेप बनती है लफ्ज़ों की शेप वो इसमें है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो माशाल्लाह। और इसके अलावा वो जो वजह शोहरत उनकी ये भी थी कि उन्होंने जो अपने वक्त के जो बड़े बड़े जो थे शख्सियात पाकिस्तान की उनको तहाइफ दिए। अच्छा, जिनमें सर फहरस्त कायद आज़म मोहम्मद अली जिना है। अच्छा, जब वो पेशावर तशरीफ़ लेकर आए अच्छा, तो मेरे दादा ने उनको तोहफ़ा दिया था। अच्छा, तो वो तोहफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मज़ार कायद में सेफ़ है। अच्छा, क्या क्या चीज़, क्या तोहफ़ा था वो, क्या चीज़ थी? जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये वो पेंटिंग है जो एमएम शरीफ साहब ने कायद आज़म मोहम्मद अली जना को दी थी, और ये अभी भी मज़ार कायद की गैलरी में मौजूद है वहाँ पर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये वहाँ पर अभी भी सेफ है। अच्छा, और ये कायद आज़म का एसएम शरीफ उन्होंने खूबसूरत 2x3 फुट में उन्होंने डायरेक्ट ये शीशे पर बना हुआ है। शीशे पर बना, ये डायरेक्ट शीशे पर बना हुआ है ये काम। अच्छा, अच्छा। और इसमें काफ़ी काम जो है ना आपको बहुत खूबसूरत बारीक काम उन्होंने किया हुआ है, और ये जब उन्होंने उनको गिफ्ट किया था तो वो कायद आज़म बहुत खुश हुए थे। अच्छा अच्छा, देखें ये हमारे यहाँ एक तस्वीर है ग्लास पेंटिंग का कि अभी आई है ये, तो उस वक्त भी ये ग्लास पेंटिंग थी, उस वक्त बहुत पुराना बहुत। अच्छा, अच्छा ये बताएं कि इसके अंदर और भी तस्वीरें हैं, तो ये क्या एम शरीफ साहब की वो जी जी पेंटिंग जी जी, तो ये हमें पता है ना हमारे नाजरीन की जरा, ये क्या चीज़ है जी जो आपके एम एम शरीफ साहब क्या दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? ये सरदार निशर साहब को गिफ्ट कर रहे हैं, और ये जो थे हमारे कमिश्नर उनको ये गिफ्ट कर रहे हैं उस वक्त के कमिश्नर जी, थे जी जी। अच्छा, तो मुसर्रत हुसैन जुबैरी, मुसर्रत हुसैन जुबैरी साहब को ये दे रहे हैं, जो कि अब हसीन आर्ट्स काउंसिल के भी बानी थे या कुछ इस तरह से उनका वो हम देखते हैं कुछ। अच्छा, ये बताएं जनाबी अली के, ये आपके दादा जो हैं माशाल्लाह जैसे सब दुनिया जानती है, उनके हवाले से ये सैनमा का भी जो काम जो है आर्ट्स का, वो भी जो मेरा ख्याल है वो भी पूरा फन होता था जी जी, और बड़े खूबसूरत वो लगते थे, बड़े अच्छे लगते थे वो। अभी तो पैनाफ्लेक्स आ गए हैं। ये मुझे भी ये यकीन माने कि जब ईद होती थी ना, ये नई फिल्म आती थी, तो सैनमा रोड पर ईद से पहले 3 से 4 दिन पहले ईद का समा होता था। अच्छा, ईद से पहले ईद का समा होता था, और जब सेट लग फिल्म तो जब लगेगी तब लगेगी, तो हद निगाह तक पूरा रोड ब्लॉक हो जाता, और लोग खड़े हैं कि सिर्फ सेट लग रहा है। अच्छा, सिर्फ सेट लगना, तस्वीर लगना, वो सिर्फ उसका तमाशा देखने के लिए, मतलब जितने भी लोग होते थे और वो इंतज़ार में होते थे कि अब ये फिल्म कब लगेगी। हाँ, और तो ये नज़ारा भी मैंने अपनी आंखों से देखा। अच्छा, ये भी एक सिनेमा का दौर था। तो अब तो चूंकि पैनाफ्लेक्स अब सिनेमा ही नहीं रहे, सिनेमा ही नहीं रहे, लेकिन बस ख़त्म हो चुका है दौर, लेकिन खूब बड़ा ज़बरदस्त दौर था, बहुत ही प्यारा दौर था, जिन्होंने सीखने का जो बेहतरीन टाइम था वो सिनेमा, क्योंकि उसमें बैक वक्त आप सिनेमा लाइन में आप जब आप तस्वीर बनाते हैं तो पूरी वो फिल्म की जो सेट होता है उसमें बैकग्राउंड में जितने भी उसमें खताती भी आ जाती है, उसमें पोर्ट्रेट भी आ जाता है, उसमें स्टिल लाइफ भी आ जाता है, उसमें लैंडस्केप भी आ जाता है, उसमें शूटिंग भी है, तो वो पूरी स्टोरी जो होती है वो दीवार के ऊपर या कैनवस पर या जो वो बनाते, तो जो सीखने वाले होते थे टाइम वही था। अब मौजूदा वक्त में सीखने के लिए उस्ताद को ऐसा प्रोजेक्ट ही नहीं है, अगर कोई नया शागिर्द आ जाता था तो वो उस्ताद इतना बिजी होता था, वो ऑलरेडी काम पर बिजी था, या तो वो लिखाई कर रहा है या वो ग्राफ लगा रहा है, ग्राफ लगा रहा है या वो क्या नाम उसमें मुख्तलिफ किस्म के जो कलर्स हैं बैकग्राउंड लगाना, वो तमाम चीज़ें मौजूदा वक्त है, अब वो कोई सीख नहीं सकता। अगर कोई ये चाहे कि मैं इस तरीके से काम सीखना चाहूँ तो ना तो वो उस्ताद मिलेगा और ना वो ऐसा काम मिलेगा, मतलब है वो क्लासिक्स हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया, वो जो है तो गुजर गया, अब जो है तो मतलब है कि आइंदा के लिए अपने आप को तैयार करनी। अच्छा मिनाज साहब, ये तो माशाल्लाह एमएम शरीफ साहब की यादें हमने ताज़ा की नाज़रीन ने, उसके बाद जो है तो इनके वालिद साहब जो हैं आरिफ मिनाज साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ा कमाल किया, वैसे तो वो पेंटिंग्स वगैरह बनाते थे मगर एक कमाल ये किया कि उन्होंने रहमान बाबा की पोइट्री जो है उसके हर शेर को जो है मुख्तलिफ अशार जो हैं उनको एक थीम दिया, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है उनके हवाले से कोई शेर है तो उसकी एक जो है उन्होंने पेंटिंग बना दी, इस हवाले से आप ज़रा हमें बताएं जी। ये हकीकत ये है कि ये भी बहुत मुश्किल इसलिए कि देखें मिसाल के तौर पर मेरी जो मादरी ज़बान हिंको है, कौमी ज़ुबान तो उर्दू है, तो इसी तरह मेरे वालिद जो थे हमारा बैकग्राउंड चूँकि गुजरांवाले से तल्लक रखते हैं, मिनहास फैमिली हमारी,
तो असल बात यह है कि पश्तो बोलना नहीं, सिर्फ पश्तो लिखना भी बहुत मुश्किल काम। कई ऐसे हमारे भाई हैं जो कि पश्तो ठीक है बोल तो सकते हैं, पठान भाई हैं, लेकिन वो ना पश्तो पढ़ सकते हैं ना पश्तो लिख सकते हैं। बहुत मुश्किल है ना। हाँ जी, जी जी, लिखना पढ़ना वो और बात है, बोलना कुछ और बात है। सही बात। तो वो जो काम जो था रहमान बाबा की पोइट्री और फिर पश्तो, पश्तो को लिखना और पश्तो को, तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो उन्होंने फिर तमाम जो अशार थे रहमान बाबा के उनको बड़े खूबसूरत विजुअल उन्होंने इलस्ट्रेशन उन्होंने की हुई है अपने काम में, बेहतरीन उनका काम है। तो मैं ये चाहता हूँ कि चूंकि वो उन्होंने तकरीबन 3 से 4 एग्ज़िबिशंस करवाई पेशावर में, एक ईरान में भी हुई थी, तो पश्तो की चूँकि पहली उन्होंने एग्ज़िबिशन करवाई, काम तकरीबन 70-80 के करीब उन फन पारे मौजूद हैं मेरे पास। अच्छा। स्पेस है नहीं, तो मैं ये चाहता हूँ कोई ऐसे आर्ट गैलरी हो कि रहमान बाबा का जो अगर जो अदबी बिल्कुल जो पसंद करते हैं, जो मोहब्बत करते हैं, वो उस काम को सेव कर दें। बल्कि मैं ये कहूँगा, मेरा एक प्रपोजल है, एक रहमान अदबी जरगा भी है बहुत सारे की, ये चीज़ जो है रहमान बाबा के मज़ार पर अगर डिस्प्ले हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, वहाँ पर करने के लिए तैयार है। वहाँ पर ऑलरेडी लाइब्रेरी मौजूद है रहमान बाबा का जो कॉम्प्लेक्स है, जी कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर, तो वहाँ पर अगर हो जाए आर्ट गैलरी बन जाए तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, काम सेफ हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा जो है तो उन्होंने आयल पेंटिंग वगैरह और मुख्तलिफ उसमें भी मीडियम्स में काम किया। जी जी। और ये सिनेमा के जो पोस्टर्स होते थे और पोर्ट्रेट और ये सारी चीज़ें वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम ये उन्होंने किया है, बाहर काफ़ी ममालिक में मुकाबलों में हिस्सा लिया, तुर्की में, इजिप्ट में, यहाँ पर कैलीग्राफी जो थी और वहाँ पर वो अलहमदुलिल्लाह विन भी किया। अच्छा जी, सिर्फ ऐसे नहीं लिया, विन भी किया। असल बात ये होती है कि साथ आप विन भी करें। जी जी बिल्कुल। असल बात ये होती है, एग्जीबिशन करना वो और बात है, कंपटीशन में हिस्सा लेना, लेकिन आप विन कर जाएं ये बड़ी बात, क्योंकि वहाँ पर ज़ाहिर तमाम आर्टिस्ट ही होते हैं, तमाम खतात हजरात होते हैं, तो सब का काम जो होता है एक से बढ़कर एक होता है, तो वो जजमेंट करना वो आसान काम नहीं होता। जीशान साहब, ऐसे है कि ये बताएं, वो जो सिनेमा का दौर था और ये जो आप लोगों का स्टूडियो था या जो गैलरी थी या जो दुकान थी उस ज़माने में ना, मतलब कि वर्कशॉप हमारी थी, वर्कशॉप थी वो, तो वो जो ये जो जहाँ पे सिनेमा रोड जो है जहाँ पे था ना, जी जी, ये बड़ी कल्चरल जगह थी। बिल्कुल, ये यहाँ पर न सिर्फ कई शख्सियात यहाँ उनका आना जाना, क्योंकि उस ज़माने में तो टेलीविज़न नहीं था, जी मोबाइल नहीं था, तो और चूँकि शुरू सिनेमा का ज़माना था तो लोग चोरी छुपे फिल्में देखने आते थे। अच्छा। तो कई बड़ी बड़ी शख्सियात आकर हमारे पास छुप जाते। अच्छा। अपने बाप, कोई अपने बाप से छुप रहा है, कोई अपने बड़े भाई से छुप रहा है। अच्छा। तो छुपने की भी जगह उन्होंने बनाई होती थी। अच्छा। एक एक फिल्म को 3-3 हिस्सों में, एक पहला शो देख लिया, आज आधा घंटा देख लिया, फिर घर जाकर कुछ बहाना कर दिया। अच्छा। फिर अगर दूसरा शो में जाकर वो आधा घंटे से आगे वाली फिल्म जो है वो जो जहाँ से चल रही है, तो इस तरीके से बहाने कर कर फिल्में देखना, तो सिनेमा वही दौर था। उसी ज़माने में लता भी मशहूर हुई, उसी ज़माने में नूरजहाँ भी है, वही इब्तदा है। अच्छा। और उसी ज़माने के जितने भी आर्टिस्ट हैं उन्होंने नाम पैदा किया हर फील्ड में, हो वो अदाकारी हो, गुलकारी हो, मौसीकी हो, मुसवरी हो, तो वो इस बेहतरीन ज़माना था, ये सिनेमा का जो ज़माना था बेहतरीन ज़माना था इब्तदा में। अच्छा। तो वो विजुअल आर्ट का बेहतरीन दौर जो है वो मैंने देखा और ख़त्म हो गया, ऐसा लगता है खूबसूरत ख्वाब से आप। हाँ बिल्कुल जी, वो दौर ख़त्म हो गया। ये बताएं कि ये जो एमएम शरीफ साहब का दौर था ये कौन सा दौर था, ये 60s 70s था या इससे भी? नहीं नहीं नहीं, ये दौर तो था, ये पाकिस्तान, चूँकि ज़ाहिर जब मुस्लिम लीग की जो स्ट्रगल हो रही थी, पाकिस्तान बन रहा था, तो उस वक्त एमएम शरीफ साहब उस ज़माने में तो था नहीं, तो वो मुस्लिम लीग का सिनेमा में स्लाइड के ज़रिए पाकिस्तान जिंदाबाद और जितने भी उस वक़्त के जो नारे होते थे सिनेमा पर, तो वो भी सिनेमा स्लाइड के ज़रिए लगाना और इस तरीके से करना, तो वो तकरीबन काम तो काफ़ी अर्ली टाइम से उन्होंने, लेकिन जो अरूज का उनका वक़्त था ये 47-48 से लेकर फिर ये दिबैज़ा आ गई 65, तो ये उनका टाइम था। अच्छा जी। अच्छा ये बताएं कि अब जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं आपके साथ, उनका एक इंशाल्लाह जो है तो सब्लाइम के ज़रिए एक लहजान डेवलप हो जाएगा, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि रंगों से मोहब्बत करें, आर्ट से मोहब्बत करें, पेंटिंग से मोहब्बत करें, क्यों करें? अगर तो अगर आप मोहब्बत जो है मोहम्मद के जो मानी है, अगर आप इसको क्या कहते हैं आप, इश्क मिजाजी से इश्क
حقیقی کی طرف اگر آپ جانا چاہیں تو ان رنگوں کے ذریعے آپ جا سکتے ہیں. یہاں پر یہ اگر یہ جو ہے یہ میری جو اگر آپ دیکھیں یہاں پر تو یہ جو پینٹنگ ہے جی جی ہاں تو اس میں یہ بیک گراؤنڈ میں خانہ کعبہ بنا ہوا ہے اور یہ اللہ لکھا ہوا ہے جو کہ طواف کر رہا ہے اور اس میں تمام کلرز جو ہیں وہ راؤنڈ شیپ میں ہیں طواف کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو اس میں کائنات کے جتنے بھی رنگ ہیں وہ یہ جس کی جو آئیڈیا جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کائنات کے تمام رنگ جو وہ اللہ تعالیٰ کو اور خود اللہ تعالیٰ بھی ہے وہ اس خانہ کعبہ کو یہ طواف کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ رنگ جو ہے رنگ یہ نیچر سے اگر آپ محبت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. واہ واہ واہ. تو اس راستے سے آپ اللہ تک پہنچیں گے. زبردست جی, کیا خوب میسج دیا جی مناج صاحب نے جی, کہ رنگوں سے محبت کریں گے تو آپ جو ہے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں, آپ جو ہے حق کو تلاش کر سکتے ہیں, حق کی تلاش میں نکل سکتے ہیں. جی بڑا مزہ آیا جی, آپ نے جو آخر میں میسج دیا رہے جی, یہ آپ نے میرا دل جیت لیا ہے اور انشاءاللہ آپ کو زحمت دیتے رہیں گے, بار بار آتے رہیں گے اگر آپ کی طبیعت پہ جو ہے تو جو بھاری نہ گزرے تو. جی کوئی الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے آپ آئے, تشریف لے کر آئے آپ, بلکہ آپ کی شخصیت ایسی اتنی پیاری شخصیت ہے کہ میں خود اس کو انجوائے کر رہا ہوں. بڑی مہربانی. یہ اللہ تعالیٰ, میں چہرہ شناس بھی ہوں, صرف یہ نہیں ہے, صرف میں آپ کو دیکھ کر انشاءاللہ مزید بھی آپ کے ساتھ کام کریں گے. انشاءاللہ ضرور. اللہ آپ کو جی اور ترقیاں دے اور اللہ آپ کے لیے بہت ساری بلیسنگز جو ہے, ہماری دعائیں آپ کے لیے. تھینک یو ویری مچ. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جی, آپ نے وقت دیا ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.